Hello students, welcome to Little Bird English School. Now I am going to teach you a subject English of standard 3rd. This is unit 2, the yellow butterfly. Okay, students, in this unit there are too many new words and I will explain you the meaning in Hindi. So students, listen it properly and try to note the new words meaning in your notebook. Okay, let's start. A yellow butterfly flew around in Sonu's garden. येलो कलर की बटरफ्लाई थी वो सोनू के गार्डन में उड़ रही थी. सोनू सो द बटरफ्लाई ही रैन टू कैच इट. सोनू ने बटरफ्लाई को देखा और बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ा. कैच मीन्स पकड़ना. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज वेयर इट सैट ऑन अ रेड रोज. और बटरफ्लाई उड़ के गई और कहाँ पे गई, जहाँ पे बहुत सारे रोजेस थे और एक रेड रोज पे जाके बैठ गई. Now I can catch it, said Sonu. Sonu ने कहा कि अब मैं butterfly को पकड़ सकता हूँ. He walked slowly and silently to catch the butterfly. और Sonu धीमे से और छुपके से butterfly को पकड़ने के लिए गया. He came closer, closer and still closer, but then और Sonu जैसे धीमे धीमे से butterfly के नज़दीक जाने लगा, off flew the butterfly. और वैसे ही butterfly उड़ के चली गई. Where did the butterfly go? सोनू ने कहा कि butterfly दिख नहीं रही है, butterfly कहाँ गई? Near the garden was a pond. गार्डन के पास एक तालाब था, एक पॉन्ड था. In the pond was a white lotus. Around it grew round leaves. और वो पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर बहुत सारे white lotus थे और वो lotus के round वहाँ पे लीव्स थे और वो पानी के ऊपर दे फ्लोटेड इन द वाटर. वो पानी के ऊपर तैर रहे थे. फ्लोटेड मीन्स पानी में तैरना, पानी के ऊपर तैरना. द बटरफ्लाई वेंट एंड सेट ऑन अ फ्लोटिंग लीव्स. और बटरफ्लाई उड़ के गई और वो फ्लोटिंग लीव्स पे जाके बैठ गई. सोनू वेंट स्प्लैश इनटू वाटर. और सोनू ने देखा बटरफ्लाई वहाँ पे है तो उसने भी पानी में जंप किया. ऑफ लो द बटरफ्लाई. और सोनू ने जैसे पानी में जंप किया, बटरफ्लाई फिर से उड़ के चली गई. वेयर वॉज इट? सोनू लुकड अप, ही लुकड डाउन. नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री. इट हैड वाइट फ्लावर्स. द बटरफ्लाई सैट ऑन द प्रिटी फ्लावर. सोनू ने देखा कि बटरफ्लाई कहाँ गई. फिर से सोनू ने ऊपर देखा, सोनू ने नीचे देखा, लेकिन बटरफ्लाई दिखी नहीं. और वहाँ पे एक दीवार थी, उसके बाजू में एक चंपक ट्री था. वो ट्री पे वाइट कलर के बहुत प्रिटी फ्लावर्स थे. वो प्रिटी फ्लावर्स पे जाके फिर से बटरफ्लाई बैठ गई. आई कैन कैच इट, शाउटेड सोनू. ही क्लाइम्ब्ड अप द ट्री. अप ही क्लाइम्ब्ड, बट बैक इट फ्लो डाउन फ्रॉम द ट्री. और सोनू जोर से चिल्लाया और कहा कि आई कैन कैच यू, मैं बटरफ्लाई तुझे पकड़ सकता हूँ. और सोनू झाड़ के ऊपर चढ़ने लगा. क्लाइंब मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ना. और वो जैसे ऊपर चढ़ने लगा, बटरफ्लाई उड़ के फिर से नीचे की तरफ आ गई. सोनू जंप डाउन टू, ही चेज द बटरफ्लाई. और जैसे बटरफ्लाई नीचे की तरफ आई, सोनू भी नीचे जंप किया और बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए दौड़ा. चेज मीन्स उसको पकड़ना, पीछा करना. फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द चंपक ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कभी रोज पे से लोटस पे जाती थी या कभी लोटस पे से चंपक ट्री पे जाती थी. और सोनू उसका पीछा कर रहा था लेकिन वो बटरफ्लाई को पकड़ नहीं पा रहा था. सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल. ही लुकड एवरीवेयर. वंस अगेन ही सॉ द बटरफ्लाई. कुछ समय के लिए सोनू को बटरफ्लाई दिख ही नहीं रही थी. उसने हर जगह देखा लेकिन बटरफ्लाई दिख नहीं रही थी. फिर अचानक से उसको बटरफ्लाई दिखी. देर वॉज अ बिग वेब, अ स्पाइडर्स वेब इन अ गोवा ट्री. और उसने बटरफ्लाई कहाँ देखी, एक जगह पे गोवा ट्री था. गोवा ट्री मीन्स जामफल का ट्री. गोवा इज वन टाइप इज अ फ्रूट. और वो गोवा ट्री पे बिग वेब था. किसका? स्पाइडर का. मकड़ी का जाला था. द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब. और वो बटरफ्लाई वो स्पाइडर के वेब पे जाके फंस गई थी. स्पाइडर मीन्स मकड़ी का जाला. It was a good to escape.
और वो बटरफ्लाई के लिए बहुत मुश्किल था कि वो वहाँ से उड़ के चली जाए। इट फ्लटर इट विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, और बटरफ्लाई उसके विंग्स को फड़फड़ा रही थी कि वहाँ से वो छूट जाए, और उसके विंग्स को वो ट्विस्ट कर रही थी, मीन्स थोड़े से टेढ़े कर रही थी, और टर्न कर रही थी, मीन्स थोड़ा घूम रही थी कि वो इजीली वहाँ से एस्केप हो जाए। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो वहाँ से उड़ नहीं पा रही थी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट पुअर बटरफ्लाई, क्योंकि वो स्पाइडर वेब बहुत ही मजबूती से वहाँ पे बना था और बेचारी बटरफ्लाई वहाँ से उड़ नहीं पा रही थी। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, इट लुक्ड हंग्री, और वो मकड़ी के जाले के बीच में एक बिग स्पाइडर था और वो देखने से बहुत ही भूखा लग रहा था, बहुत हंग्री लग रहा था। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाह रहा था। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, वो धीमे धीमे से क्रॉल करता हुआ बटरफ्लाई की तरफ आ रहा था। क्रॉल मीन्स धीमे धीमे से आना। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रेन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, और लेकिन ब्लैक स्पाइडर के पकड़ने से पहले सोनू भागा और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, इट हैड ब्राउन स्पॉट्स और इट्स येलो विंग्स, सोनू ने देखा कि बटरफ्लाई बहुत प्रिटी है और उसके विंग्स येलो हैं और उसके विंग्स पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स है, यू कैन सी इन द पिक्चर। सोनू लव्ड द बटरफ्लाई, लव द लिटल बटरफ्लाई, सोनू को वो बटरफ्लाई बहुत ही प्यारी लगी। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वो सोनू के हाथों में बहुत ही उदास लग रही थी। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, गो सेड सोनू फ्लाई अवे, सोनू बटरफ्लाई को हैप्पी देखना चाहता था इसलिए सोनू ने बटरफ्लाई को उड़ा दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, इट वेंट एंड सैट ऑन द रेड रोज, इट फ्लोट टू द चंपक ट्री एंड देन इट वेंट टू द लोटस लीफ, और जैसे ही बटरफ्लाई को सोनू ने छोड़ दिया, बटरफ्लाई जाके पहले रेड रोज पे बैठी, फिर जाके वो चंपक ट्री पे बैठी, और फिर जाके वो लोटस लीफ पे बैठी। सोनू स्माइल एज ही सॉ हाउ द बटरफ्लाई फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और सोनू बटरफ्लाई को देख के खुश हुआ कि बटरफ्लाई कितनी हैप्पीली खुशी से वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जा रही। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू द एक्टिविटी 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, 1. वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, सोनू ने फर्स्ट येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा? सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई इन द गार्डन। 2. नेम द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, ओके सो प्लेसेस बताओ कि बटरफ्लाई ने कहाँ कहाँ पे रेस्ट किया था। द प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, 1. रेड रोज, 2. फ्लोटिंग लीव्स इन द पॉन्ड एंड 3. चंपक ट्री। Why did Sonu chase the butterfly? सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा क्यों किया? सोनू chased the butterfly because he found the butterfly very pretty. From where did Sonu catch the butterfly? सोनू ने बटरफ्लाई को कहाँ से पकड़ा? सोनू catch the butterfly from the spider's web. Why did Sonu let the butterfly go? सोनू ने बटरफ्लाई को क्यों छोड़ दिया? सोनू let the butterfly go because he wanted it to be happy. B. Here, match the following. 1. It sailed from flowers to flowers. Who sailed from flowers to flowers? Butterfly sailed from flowers to flowers. 2. There was a white lotus in it. Where was the white lotus? White lotus in the pond. He walked slowly and silently to catch the butterfly. Who walked slowly and silently to catch the butterfly? Sonu walked silently and slowly to catch the butterfly. It was hungry. Who was hungry? Spider was hungry. Thank you, students.